नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस क्लास में हम 17 अगस्त 2024 का जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उसके बारे में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिमला, IFFS मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिमला, IFFS के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिमला के 10वें संस्करण का आयोजन हुआ, जो कब से कब तक हुआ वो हुआ 16 से 18 अगस्त 2024 को होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिमला के जो 10वां संस्करण है उसका आयोजन होगा 16 से 18 अगस्त 2024 को होगा और यह कहाँ होगा? शिमला में। शिमला में मेनली कहाँ पे होगा? गेयटी थिएटर शिमला में। कहाँ? गेयटी थिएटर शिमला में होगा इसका आयोजन। उसके अलावा मॉडल सेंट्रल जेल कांडा शिमला में तथा मॉडल सेंट्रल जेल नाहन सिरमौर में, इन जगह पे क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिमला के 10वें संस्करण का आयोजन होगा। कब से कब तक? 16 से 18 अगस्त 2024 को होगा। मेनली कहाँ होगा? गेयटी थिएटर शिमला में होगा और उसके अलावा दो जेलों में होगा, मॉडल सेंट्रल जेल कांडा शिमला में तथा मॉडल सेंट्रल जेल नाहन सिरमौर में, यहाँ पे भी इसका आयोजन होगा। तो IFFS के क्या है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिमला, उसमें क्या है, 27 देशों और हमारे देश के 20 राज्यों की फिल्में दिखाई जाएगी। तो IFFS में क्या है, 27 देशों की फिल्में दिखाई जाएगी और हमारे देश के भी 20 राज्य हैं उनकी फिल्में यहाँ पे दिखाई जाएगी। कहाँ? IFFS शिमला मतलब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल शिमला में दिखाई जाएगी। तो IFFS ये करने का उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल शिमला करने का उद्देश्य क्या है? पहला तो क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ सिनेमा का प्रदर्शन करना। तो विश्व में कैसा कैसा श्रेष्ठ सिनेमा बन रहा है उसका प्रदर्शन करना। दूसरा क्या है, युवाओं में अच्छे सिनेमा के प्रति रुचि जागृत करना, युवाओं में रुचि जागृत करना कि वो अच्छी सिनेमा देखे। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को मंच प्रदान करना, तो स्वतंत्र रूप से जो फिल्म बनाने वाले निर्माता है उनको मंच प्रदान करना। और भारतीय सिनेमा क्षेत्रीय सिनेमा है ना, उसको क्या देना, बढ़ावा देना। ये सब है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल शिमला के उद्देश्य है ये सब। और इसका आयोजन कब होगा? वो होगा 16 से 18 अगस्त 2024 को गेयटी थिएटर शिमला में होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल शिमला का आयोजन। आगे हम देखते हैं FIPIC या IORA जो ये देश है इनके सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति एवं शासन पर उन्नत नेतृत्व का विकास कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? वो हुआ राष्ट्रीय सुशासन केंद्र नई दिल्ली या NCGG यानी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र नई दिल्ली में हुआ आयोजन। वो कब से कब तक हुआ? 5 से 16 अगस्त 2024 को हुआ। तो जो ये देश है ना उनके सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर उन्नत नेतृत्व करने का जो विकास करना उनमें, तो सिविल सेवा कहना सार्वजनिक नीति तथा शासन पर वो उन्नत नेतृत्व कर सके इसका विकास करने के लिए जो कार्यक्रम हुआ वो कहाँ हुआ? राष्ट्रीय सुशासन केंद्र नई दिल्ली NCGG में हुआ और ये आयोजन हुआ 5 से 16 अगस्त 2024 को हुआ। इस कार्यक्रम में 11 देशों के 40 सिविल सेवकों ने भाग लिया, 11 देशों के 40 सिविल सेवकों ने भाग लिया था। आगे हम देखते हैं भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के संयुक्त रूप से 15,000 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्र में क्रिटिकल ट्रोमा केयर क्यूब, क्या है, क्रिटिकल ट्रोमा केयर क्यूब का पहली बार पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया। तो भारतीय वायुसेना ने और भारतीय सेना ने, इन दोनों ने मिलकर के 15,000 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्र में क्रिटिकल ट्रोमा केयर क्यूब, इसका पहली बार क्या किया, पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया। ये करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि PM मोदी के मानवीय सहायता एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने हेतु ये आयोजित किया गया है। तो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उनमें सेवा प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, IAF ने क्यूब को एयरलिफ्ट करने या उठाने और सटीक रूप से पैरा ड्रॉप करने हेतु किस विमान का उपयोग किया था? तो उन्होंने विमान का उपयोग किया था वह C-130
130J सुपर हरक्यूलिस, क्या है सी 130J सुपर हरक्यूलिस विमान का उपयोग किया था किसको, क्यूब को एयरलिफ्ट करने यानी उठाने और पैरा ड्रॉप करने मतलब उसको वापस रखने के लिए उपयोग किया है, सी 130J सुपर हरक्यूलिस विमान का उपयोग किया है।